ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। चलिए फिर हम जाते हैं। आले गाइस, स्ट्रीम आले वीडियोस में जरा। शिट शिट शिट, एक आया। ओके गाइस, एक मिनट। हाँ मैं ना गाइस, सो वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। शुरू करते हैं। अरे भाई साहब, गाइस 21 हो रहा है गाइस। 35 को हम स्टार्ट कर देंगे स्ट्रीम। ओके सो गाइस, यहाँ पे आ चुकी है टीम्स। गाइस जिन्होंने भी ये नहीं किया गाइस, फटाफट ज्वाइन कर दीजिएगा। ओके गाइस, सो टीम आ चुकी है अभी। यूट्यूबर खोल, यूट्यूब खोल। हाँ ओपन साल देख। सो गाइस टीम्स आ चुकी है। आज का मैच गाइस वही सेम जो होना होगा वही है। टॉप 16 टीम्स सिलेक्ट होगी और उनमें से जो टीम्स रहेगी वो 8 अगस्त की संडे मैच को होगी। और गाइज मुझे और एक बात करना था कि स्लॉट्स गाइज जो प्रोवाइड हो रहे हैं, प्लीज़ गाइज अपने स्लॉट्स में ही रहिए और रजिस्टर के टाइम गाइज जो स्लॉट्स दिए जा रहे हैं उसमें ही रहिएगा। स्लॉट्स और स्लॉट्स गाइज रजिस्टर करके आप अगर आओगे नहीं तो गाइज आपको बैन दिया जाएगा 3 डेज का। सो गाइज फटाफट ज्वाइन कर दीजिए। माइक्रोफोन है ना रे, फाट सा आवाज पूर्ण है करतो। आवाज कैसे दे? तो गाइस अभी टीम्स आना स्टार्ट हो चुकी है। 34 बंदे 34 प्लेयर्स ने ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे गाइस टीम्स भी नई नई आई है। शाक एक नई टीम है और खौफ एक नई टीम आई हुई है। तो देखते गाइस उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा गेम में। 30 सेकंड का डिले।
ये कहा? हाँ बस, निकलो बस्ते ना वो हाँ जवाला चालेल चालेल। सो गाइस अभी जल्दी आ जाइएगा, 40:39 कसं माहिती आहे, तिथे रूम बंद करून ना बसायचो आणि स्ट्रीम करायचो, त्याला ना फारसा आवाज पण नाही यायचा। चांगलं आहे, नेट चांगलं आहे तर बस हे बघ, नेट चांगलं आहे तर बस तेच प्रॉब्लेम, तर फारसा आवाज येईल तर येईल ग्राउंडने, नेट चांगलं आहे तर तेच बरं। सो ते स्ट्रीम सिर्फ चालू चालू ठेव ना, ते कमेंट्स येतात ना ते मला दाखव सिर्फ। ओके सो 27 हो रहा है और शायद 5 या 6 मिनट रुकेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे स्ट्रीम। सो गाइज जल्दी आ जाएगा और अपनी स्लॉट्स गिवन स्लॉट्स में ही बैठिएगा प्लीज़, दूसरी टीम को सताइएगा मत। ये गाइज हो चुका है, सो देखते हैं। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, तो मैचेस बक सिर्फ मैचेस बनाता। सो 62 बंदे प्लेयर्स ने अभी ज्वाइन कर दिया है, देखते अभी दूसरी टीम भी ज्वाइन कर देगी। ईएमपी वॉरियर, सो ड्रैग वॉरियर ने ईएमपी वॉरियर में ईएमपी वॉरियर हो चुके अभी गाइस, वो ईएमपी की स्क्वाड में आ चुके हैं। सो देखते हैं वॉरियर क्या कमाल दिखाएंगे ईएमपी में आके। सो गाइस 30 हो गया, 5 मिनट्स और वेट करेंगे फिर हमारा स्ट्रीम स्टार्ट कर देंगे, गेम स्टार्ट कर देंगे सॉरी। सो टीम्स आ चुकी है अभी मैच के लिए बहुत। ओके सो सभी टीम्स ने अभी तक ज्वाइन कर दिया है, एक दो बंदे जो नहीं आए वो भी अभी फटाफट ज्वाइन हो जाइए तो बाद में प्रॉब्लम ना हो। सो टोटल ऑफ 21 टीम्स आई हुई है, तो देखते हैं आज कौन चिकन डिनर लेके जाएगा।
सो गाइस बेसिकली सभी टीम्स आ चुकी है अभी. सो और 1-2 मिनट. ओके सो 4 मिनट्स मोर देन विल स्टार्ट आवर गेम. सो गाइज 3 मिनट्स मोर एंड देन विल स्टार्ट द गेम. प्लेयर्स थोड़े बाकी है जो नहीं आए हुए हैं, वो भी आ जाएंगे अभी. शायद स्टार्ट कर देंगे अभी. गाइस सो स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है गाइस, क्योंकि सभी टीम्स आ चुकी थी. सो हमने थोड़ा जल्दी स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया है. ओके सो लेट्स गो गाइस. सो टीम यहाँ पे आ चुकी है, सभी टीम यहाँ पे आ चुकी है. तो देखते हैं गाइस जोन कहाँ पे बनेगा. शायद जोन बनेगा जॉर्जियो से नो की तरफ. देखते हैं आज के मैच में कौन चिकन डिनर लेके जाता है. और यहाँ पे देखते हैं जोन कहाँ पे बना है. और जोन बन चुका है प्रमोट से यासना की तरफ से. सभी टीम जाएगी अपनी अपनी जो नोन लोकेशन रहती है वहां पे. देखते हैं गाइस पहला ड्रॉप कौन सी टीम लेगी और कहां पे. लेट्स सी गाइस. और गाइस ऑल पे से माइक बंद कर दीजिएगा जी, फिर बाद में दोस्तों और जैसे प्रॉब्लम होता है. और यहाँ पे ईएमपी की स्क्वाड ने सबसे पहला ड्रॉप ले लिया है, वो जाएगी शायद न्यूट्री की तरफ. लेट्स सी गाइस दूसरी टीम से भी हम स्पेक्टेट करेंगे. यहाँ पे ओवरऑल पे ईएमपी की स्क्वाड ने यहाँ पे न्यूट्री की तरफ अपना ढापा बोल दिया है. इनका की स्क्वाड भी यहाँ पे शायद छोटे छोटे कंपाउंड बनेंगे जो वो लूटेगी. सभी टीम्स अपने अपने ड्रॉप लोकेशन पे आ चुकी हैं. यहाँ पे एफएक्स की टीम भी जो जॉर्जियो जाएगी, अल्फा की टीम यहाँ पे जो मिल्टा साइड जाएगी, स्कल की टीम यहाँ पे जो सेवनी जाएगी, और ड्रैग की टीम यहाँ पे वो भी शायद सेवनी ही जाएगी. जी नहीं, ड्रैग ने अपना
बेस चेंज कर दिया है वो शायद जॉर्जो सिटी साइड जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे गाइस टीम्स आ चुकी है, तो गाइस देख सकते हैं ईएमपी की स्क्वाड यहाँ पे आते हुए, ईएमपी की स्क्वाड के पीछे शायद है, देखते हैं गाइस ईएमपी की स्क्वाड के पीछे शायद गैरी की स्क्वाड है जो जाएगी अपने नोवो की तरफ। जी हाँ उनकी गाड़ी भी मिल चुकी है, तो नोवो की तरफ पोशन कर लेंगे। तो दूसरी स्क्वाड को देखते हैं यहाँ पे, इस स्क्वाड हमेशा की तरह पोशन की पे उतरी है, जैसे कार्लो की स्क्वाड यहाँ पे शायद नई स्क्वाड भी आई हुई है गाइस, दो तीन नई स्क्वाड है। टीम रॉ यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन था पिछले के में, बहुत ही अच्छा था। सो देखिए अपनी सी टीम यहाँ पे भी, सो यहाँ पे नो में तीन स्क्वाड उतरी है, तीन नहीं चार स्क्वाड उतरी है, टोटल ऑफ फोर स्क्वाड उतरी है नो में। जी हाँ नो में फोर स्क्वाड उतरी है, और स्काई ने यहाँ पे, स्काई की टीम ने यहाँ पे पोचिंग की इस बार ने, सो देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं, पे जोन बन चुका है रोजॉक की साइड पे, जॉर्जो की साइड पे जोन बन चुका है, और यहाँ पे शायद मिस्टर कार्लो की फाइट हो चुकी है इसी टीम के साथ शायद से, देखते हैं। यहाँ पे गाइस पिंग का थोड़ा इश्यू हो रहा है फिर भी, सो लेट्स सी लोडिंग स्क्रीन आ रहा है। ओके सो पिंग यहाँ पे स्टेबल हो चुका है, सो देखते हैं गाइस टीम टीम रॉ यहाँ पे टीपी भी लेते हुए, मिस्टर कार्लो भी टीम के ऊपर और यहाँ पे शायद स्पॉटिंग कर लिया है, तो देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे स्काई कुमार आगे बढ़ते हुए शायद उनकी फाइट आईटी सी टीम के साथ हो सकती है, और यहाँ पे 69 बल्स ने आरो जोक्ता को नॉक कर दिया है। सो गाइस देखते हैं 69 बल्स यहाँ पे आरो जोक्ता को फाइट मारेंगे, सो देखते हैं नॉक का एक बंदा जा चुका है, और नॉक की सभी टीमों के पास नॉक की बंदों के पास यहाँ पे गन्स नहीं है, और यहाँ पे नॉक नॉक को यहाँ पे गन मिल गया। ड्रैग गौरव ने यहाँ पे स्काई दिव्यांग को नॉक कर दिया है, सो गाइस देखते हैं ड्रैग गौरव की टीम यहाँ पे स्काई दिव्यांग को नॉक कर दिया है, और यहाँ पे खत्म कर दिया। और यहाँ पे स्काई त्रिशूल आ गया, स्काई त्रिशूल को भी यहाँ पे मारी है, लेकिन यहाँ पे स्काई त्रिशूल के पास यूएमपी था विशाल के पास, तो देखते हैं स्काई विशाल यहाँ पे फिनिश कर देंगे ड्रैग गौरव को। सिंह कुणाल ने यहाँ पे मिस्टर कार्लो को नॉक कर दिया है, और यहाँ पे ड्रैग गौरव पे शायद, और यहाँ पे गाड़ी से कुचल दिया है, और यहाँ पे स्काई विशाल ने त्रिशूल को भी कुचल दिया है गाड़ी से। तीन सौ यहाँ पे ड्रैग प्रॉब्लम हो रहा है, आदित्य शेट्टी पे यहाँ पे थोड़े से नॉक शॉट्स आ चुके हैं, लेकिन कुछ शॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाए। सो गाइस देखते हैं ड्रैग त्रिशूल को यहाँ पे शायद खत्म कर देंगे स्काई विशाल। जी हाँ एक नेड पे, और यहाँ पे जी नेड वो थोड़ा सा पीछे हो गया था, बैकफॉल हो गया था। सो देखते गाइस अगर ब्लैक किसी को यहाँ पे खत्म करेंगे या नहीं। जी आदित्य शेट्टी भी यहाँ पे आगे, शायद वो भी गाड़ी से कुछ पे जाएंगे। यहाँ पे स्काई की टीम यहाँ पे आ चुकी है, स्काई वीरू ने यहाँ पे रमा को नॉक कर दिया, देखते स्काई वीरू यहाँ पे राय आलोक यहाँ पे नॉकआउट है, और यहाँ पे उनपे नेड आ चुका है। सो देखते गाइस स्काई विशाल ने यहाँ पे ड्रैग त्रिशूल को फिनिश कर दिया है, सिंह कुणाल ने यहाँ पे टीपी भी लेते हुए गुज्जू की स्क्वाड के ऊपर। यहाँ पे रायलो किल हो चुके हैं पूरी तरह से, स्काई लॉर्ड यहाँ पे टीपी भी लेते हुए, किंग्स की टीम यहाँ पे अलग टीपी भी लेते हुए, ईडी की टीम भी यहाँ पे रेड हाउस जो रेड बिल्डिंग है वो पकड़ी हुई है। तो गुजू के दो प्लेयर्स जा चुके हैं, मिस्टर कार्लो और रैलॉक। सो गाइस दूसरी टीम्स को यहाँ पे स्पेक्टेट करते हैं। ओके सो यहाँ पे शॉट्स आ चुके हैं, सिंह कुणाल यहाँ पे वाइकिंग्स की टीम पे शॉट्स ले रहे हैं। सो देखते हैं दूसरी टीम क्या कर रही है गाइस, बैक की टीम यहाँ पे रसम राज करते हुए पोचिंग से निकल चुकी है। सो देखते हैं दूसरी स्क्वाड्स क्या कर रही है, बीच की टीम यहाँ पे छोटी छोटे कंपाउंड झोल करके लूट रही है, यहाँ पे उनका लूट फिनिश हो चुका है शायद। देखते हैं दूसरी स्क्वाड यहाँ पे क्या कर रही है, शार्क की स्क्वाड यहाँ पे, शार्क की नई स्क्वाड आई हुई है। सो देखते हैं शार्क की स्क्वाड का क्या प्रदर्शन रहेगा इस गेम में, शार्क किंग शार्क माया यहाँ पे लूटते हुए। ओके सो नॉक नॉक ने यहाँ पे 69 एम्पायर को नॉक कर दिया है, देखते हैं
और यहाँ पे नेट करते हुए आगे बढ़ के पुशिन कर देंगे शायद। कवर मिला लेकिन नॉक राहुल यहाँ पे पीछे से आते हुए शायद नॉक राहुल अकेले बचे हुए अपनी टीम से। और यहाँ पे 69 की टीम नॉक की टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। सो नॉक के सभी बंदे खत्म हो चुके हैं और 69 माइक्रो यहाँ पे 69 गैरी यहाँ पे 3 किल करते हुए जीजी। तो देखते दूसरी टीम यहाँ पे क्या कर रही है। तो यहाँ पे 69 की टीम ने लोगों को कॉन्टेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे देखिए अल्फा की टीम क्या कर रही है, मॉडिफाइड हंगर्स। और यहाँ पे शायद की टीम अपाच लूटते हुए। सो सभी टीम्स ने अपने अपने ड्रॉप्स ले लिए, सिर्फ एक दो टीम ने जो पिछले ड्रॉप्स नहीं लेती थी। ओके सो रॉ अभिषेक यहाँ पे गुज्जू को नॉक कर दिया है। रॉ अभिषेक को क्रिमिनल को दी रखे यहाँ पे अकेले बचे हुए हैं, शायद वो रिवाइव देंगे या फिर ये टीम एलिमिनेट हो जाएगी। किसी सुप्रीम अमन वहां से फ्लैंक करते हुए सीधा रोटेट मार रहे हैं और यहाँ पे रिवाइव मिल गया है गुज्जू को। देखते हैं क्या करेंगे, गुज्जू के पास हेल्थ है सो वो एक फर्स्ट एड मारेंगे। क्रिमिनल धीरज यहाँ पे टीपी भी लेते हुए और रॉकी स्क्वाड यहाँ पे आगे पुशिंग कर चुकी है। देखते हैं और यहाँ पे जो मॉली आते हुए छूट गई है थोड़ी सी मॉली और यहाँ पे सुप्रीम अमन ने क्रिमिनल धीरज को नॉक कर दिया। गुज्जू अकेले बचे हुए और यहाँ पे गुज्जू नहीं बच पाएंगे। सो गुज्जू की टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। सो वाइकिंग्स की और यहाँ पे यासना में 3 स्क्वाड्स अभी भी बाकी है। सो देखते हैं यासना में 3 स्क्वाड्स की फाइट होने देख सकती है। वाइकिंग सौरभ यहाँ पे टीपी लेते हुए ए बी रोहन यहाँ पे लूटेंगे फिर शायद दूसरी टीम के साथ फाइट लेंगे। सो देखते हैं दूसरी टीम क्या कर रही है। ई टीम स्क्वाड यहाँ पे आते हुए शायद 69 की स्क्वाड पे ब्रिज कैंप हो सकता है या फिर देखते हैं इनकी फाइट देखने मिल सकती है क्या। यहाँ पे आदित्य शेट्टी और केवल AK-47 बचे हुए हैं। सो वो भी छोटे छोटे कंपाउंड यूज करेंगे। बैकिशुल और बैक गौरव को यहाँ पे गाड़ी से कुचल दिया था। ये भी लोकी यहाँ पे ओके सो देखते दूसरी टीम यहाँ पे क्या करिए। एरन लॉल ओके सो यहाँ पे डेमिगॉड्स की टीम जो इस साइड पे जो यासना की यहाँ साइड है वहाँ पे लूट कर रही है। तो गाइस 19 टीम्स बची है, 71 प्लेयर्स अभी भी अलाइव है और सभी को जोन के अंदर जाना है। टीएच की टीम यहाँ पे टीएच स्टार्क एफएक्स और टीएच की टीम यहाँ पे एफएक्स की टीम यहाँ पे माउंटेन साइड पकड़ेगी। बैक की स्क्वाड यहाँ पे कल बसंती यहाँ पे सेवनी लूट के निकलेंगे। बैड की स्क्वाड का यहाँ पे फाइट हो चुका है।
दूसरी टीम्स को यहाँ पे स्पेक्टेट करते हैं। बैट की टीम यहाँ पे बैरस ओपी, बैरस वनडी। ओके सो यहाँ पे वो भी स्पॉटिंग कर रहा है बंदों को। सो लेट्स सी यहाँ पे मॉडिफाइड हंगर्स यहाँ पे जोन के बाहर है अभी भी। ए बी की स्क्वाड भी यहाँ पे शायद फाइट हो चुकी है। शायद शार्क वेनम ने यहाँ पे स्काई करम को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है। और माइक्रो नहीं सकता, एम्पायर के लिए थोड़ी सी काम है। वेनम एल्विन भी नॉकआउट है। मुल्क यहाँ पे जोन की तरफ डैमेज खा के मर चुके हैं। टीएमपी वॉरियर को यहाँ पे फिनिश आउट कर दिया है। सिर्फ एल्विन और प्रेडर, विशाल और प्रेडर बचे हैं। सिंकुनाल ने यहाँ पे वाइकिंग जोमी को नॉक कर दिया है। वेनम एल्विन को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा। 69 वुल्फ को यहाँ पे और 69 माइक्रो यहाँ पे बचे हुए हैं, शायद इनको भी रिवाइव मिल जाएगा। एल्विन पे थोड़ा स्प्रे आ चुका है। विशाल ने यहाँ पे शायद थोड़ा सा डैमेज दिया है। यहाँ से पीछे से 69 एम्पायर आती है और विशाल को यहाँ पे एल्विन ने यहाँ पे 69 एम्पायर को नॉक कर दिया। 69 माइक्रो यहाँ पे एल्विन को नॉक कर दिया। तो यहाँ पे ईएमपी विशाल अकेले बचे हुए हैं। ईएमपी विशाल यहाँ पे फर्स्ट एड परफॉर्म कर रहे हैं। पीछे से आता हुआ और यहाँ पे स्क्वाड एलिमिनेट हो चुकी है। सो देखते हैं दूसरी टीम क्या कर रही है। वाइकिंग्स की स्क्वाड की फाइट हो रही थी। टीम वाइकिंग्स ओमी यहाँ पे नॉकआउट है। टोटल अकीफ को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है। प्रॉब्लम हो रहा है। फाल्कन शिवम, ओके सो फाल्कन शिवम और फाल्कन ग्रुप को अकेले खेले। सिर्फ फाल्कन शिवम यहाँ के अकेले बचे हुए हैं। तो सभी टीम जोन के अंदर जा चुकी है। सभी टीम्स ने अपनी अपनी स्पेसिफिक कंबॉल होल्ड करके रख दी है और बाकी की टीम यहाँ पे आ चुकी है। वाइकिंग्स और स्काई की टीम अभी भी यासना की तरफ ही है। शायद वाइकिंग्स की टीम के साथ स्काई की फाइट हो सकती है। और यहाँ पे गाड़ी पे स्मोक करके शायद स्काई की टीम भी यहाँ से निकल जाएगी। जोन में जाना ही होगा। जोन यहाँ पे क्लोजिंग हो चुका है। वीनू को यहाँ पे थोड़े शॉट्स पड़ते हुए। जूनियर वीनू यहाँ पे फर्स्ट बैंडेज पॉप इन कर रहा है। भाई वीनू यहाँ पे शायद वो भी निकल जाएगी। जूनियर जोन की तरफ निकल चुकी है। जोन की तरफ से देखते 65 टीम्स अभी भी बाकी है और जोन यहाँ पे क्लोजिंग हो चुका है। यहाँ पे ड्रॉप लूटे हैं। वैसे देखते आया है ड्रॉप पे। ड्रॉप खाली है। ओके तो पीएक्स और बैक की टीम का यहाँ पे फाइट हो सकता है। यहाँ पे बैट की टीम पे शॉट्स पहले और बैट डी कप से यहाँ पे नॉक कर दिया। टीएच स्टार्क ने इसे यहाँ पे
सेल्टिक्स की टीम बहुत ही बेहतरीन खेलते हुए कर चुके हैं और बैड राउडी ओपी ने भी स्टार को नॉकआउट कर दिया है। स्प्रे दे रहे हैं फोर का बैड की टीम शायद क्लोजिंग कर दी है पीएच की और पीछे से बेहतरीन कवर आ चुका है बैड राउडी ओपी का नॉक कर दिया है बैक की टीम ने सिर्फ टीएच स्टार यहाँ पे बचे हुए और एफएक्स स्मोकर बचे हुए थे। यहाँ पे चले गए सो बैक की टीम ने टीएच एफएक्स की टीम को फुल फिनिश कर दिया है। जीजी बैक की टीम दूसरी टीम पे जाएगी और जोन बन चुका है बैक की टीम के ऊपर भी और सभी टीम को जोन की तरफ मूविंग होना पड़ेगा। फाल्कन शिवम ने यहाँ पे बात कमरे को नॉक कर दिया है और देखते हैं फाल्कन शिवम ने यहाँ पे दूसरी टीम क्या कर रही है यहाँ पे आ चुकी है अपने कंपाउंड रोल कर रही है वही के वही कंपाउंड सो यहाँ पे उन्हें भी मूविंग करना होगा। सभी टीम को यहाँ पे जोन की तरफ मूविंग करना होगा। 60 बंदे अभी भी बाकी है और जोन यहाँ पे इतना छोटा हो चुका है फिर भी देखते हैं गाइस क्या होगा। सभी टीम को फाइट तो लेना ही होगा क्योंकि शक की टीम यहाँ पे सजेस्ट कर दे करण भी यहाँ पे टीपी लेते हुए शाह की टीम भी यहाँ पे टीपी लेते हुए पीछे से शायद शाह डेविल यहाँ पे निकल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा टीम यहाँ पे जोन की तरफ आ चुकी है। वाइकिंग्स की टीम भी यहाँ पे जोन की तरफ स्काई वीरू ने यहाँ पे आदित्य शेट्टी को नॉक कर दिया। आदित्य शेट्टी ने यहाँ पे ओके सो यहाँ पे प्ले आदित्य शेट्टी फिनिश और यहाँ पे स्काल का स्प्रे मिस होते हुए तो केवल और यहाँ पे स्काल जजमेंट ने सुप्रीम अमन को नॉक कर दिया है बसंती नॉकआउट है। यहाँ पे बैक की टीम पुशिंग कर देगी यहाँ पे नॉकआउट हो गए हैं सो डेडमैन यहाँ पे बचे हुए हैं। सो देखते हैं डेडमैन क्या करेंगी। कल की टीम खेल रही है प्रदर्शन दिखा रही है यहाँ पे आज भी यहाँ पे कल बैडमिन को भी नॉक कर दिया तो यहाँ पे बचे बसंती और बसंती भी यहाँ पे नॉकआउट है। सो यहाँ पे गाइस सिर्फ बसंती अकेले बचे और यहाँ पे इस बैड की टॉक्स ने बसंती को भी नॉकआउट कर दिया। यहाँ पे कल की टीम फिनिश आउट हो चुकी है तो देखते हैं दूसरी टीम क्या कर रही है। यहाँ पे शायद बैड की और ए बी की स्क्वाड की फाइट हो सकती है। गेम प्ले बाई एवरी स्कॉट से यहाँ पे स्कल अली किच ने आशीष जूनियर को नॉकआउट कर दिया है जो है मॉडिफाइड हंगर्स के। ये देखते हैं आशीष जूनियर यहाँ पे नॉकआउट पड़े हुए हैं और यहाँ पे फिनिश अप हो जाएंगे। सो ए के 47 शाकी की हेल्थ 1 HP हो चुकी है और यहाँ पे शाक किंग भी नॉकआउट हो चुके हैं। यहाँ पे शाक किंग
चले जाएंगे। AK-47 दिव्यांग को भी यहाँ पे स्प्रे आ चुका है, प्ले बॉय AK-47 की दावा वो है ड्रैक टीम से, और यहाँ पे शायद वो निकल जाएंगे क्योंकि उन्हें, और यहाँ पे AK-47 किल ले लेंगे शायद। सो यहाँ पे साइडक जो टीम लॉर्ड है, बैट फ्रीक ने यहाँ पे ए बी लोकी को नॉकआउट कर दिया है। सो देखते हैं बैक की टीम यहाँ पे डोमिनेटिंग कर रही है हर जगह, ये आकर ओपी ने यहाँ पे बैट वेनम को नॉकआउट कर दिया है, पे नॉकआउट है बैड राउडी, ओपी भी यहाँ पे नॉकआउट है रॉ अभिषेक, और यहाँ पे रॉ की टीम फिनिश अप हो चुकी है, और पीछे ही स्काई की टीम है, स्काई की टीम यहाँ पे पुशिंग कर रही है उनको, तो बैड की टीम पे सभी स्कॉर्स आ रही है, और भाई साहब बैड की टीम यहाँ पे सभी स्कॉर्स को फिनिश अप कर रही है, बहुत ही शानदार खेल रही है ये स्कॉर्ड। कान ने यहाँ पे 20 को नॉक कर दिया है है, और साथ जाएंगे ओके। सो स्काई की टीम ने बदला ले लिया है अपनी बैक की टीम के साथ, और स्काई दिशा यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, और अभी नेट आ चुका है, और स्काई की टीम आगे पुशिंग कर रही है, यहाँ पे M416 का स्प्रे देते हुए, स्काई विशाल ने, स्काई विशाल को थोड़ा सा डैमेज हुआ है बैट की टीम से, और यहाँ पे बैट और ये अपने स्काई कर दिया है, सिर्फ विशाल अकेले बाकी हुए अपनी टीम से, और पीछे से आती हुई एंड्रिया की स्क्वाड से गाइस यहाँ पे थर्ड पार्टी होते जा रहा है, और यहाँ पे बैट टीम स्काई विशाल धाड़ी में, स्काई की टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है, नीचे ही अल्फा वेनम की टीम जो एंड्रिया की टीम है वो है, सीता मेगा और बीस्ट वॉश यहाँ पे जा चुके हैं, बैट की टीम जो डोमिनेशन दिखा रही है और जो टीम को खत्म कर दी है गाइस मानना पड़ेगा यार, यहाँ पे सभी टीम यहाँ पे अंदर आ चुकी है, बैक टीम भी यहाँ पे अंदर आ चुकी है, तो सभी टीम यहाँ पे जोन के अंदर आ चुकी है, 40 बंदे यहाँ पे अब स्टिल आ गए, और यहाँ पे सभी ना मिल्क की यहाँ पे फाइट हो चुकी है, और यहाँ पे सभी ना मिल्क की वुल्फ ने शायद मित्रा को नॉकआउट कर दिया है, एक मिनट, और यहाँ पे 69 माइक्रो आगे जाते हुए, यहाँ पे यूसी चंदू ने यहाँ पे नॉक कर दिया, तो देखते यूसी चंदू जो आतर आतर की टीम यहाँ पे 47 की टीम को फिनिशअप कर दिया है शायद, जी हाँ टीम फेनम पीछे से स्काई वीरू की स्कॉर यहाँ पे आते हुए, और बैट फ्रीक ने यहाँ पे गैरी को नॉकआउट कर दिया है, तो गाइस देखते हैं बैट फ्रीक यहाँ पे गैरी को नॉकआउट कर दिया है, बैट की टीम ने क्या माइक्रो को नॉक करते हुए, तो सिक्सटीन के दो बंदे नॉकआउट है, सिक्सटीन एम्पायर भी नॉकआउट है, सिक्सटीन की टीम भी एलिमिनेट हो चुकी है, बैट की टीम यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, यहाँ पे आते हुए साइड ऑफ ओपी ने यहाँ पे लॉर्ड को नॉक कर दिया है, साइड ऑफ ओपी फिनिश भी हो जाएंगे, देखते हैं
पीछे से दूसरी शॉट उसने मारी, यहाँ पे बॉल सभी टीम से जोन के अंदर शायद भी यहाँ पे और पिन हो गए, लेकिन यहाँ पे मर जाएंगे एक लाख यहाँ पे जोन के अंदर मुझे मर है। और यहाँ पे पुलिस काई की टीम जोन के अंदर नॉकआउट हो चुकी है। और क्या नया को नॉकआउट कर दिया स्काई की बैड डिटॉक्स ने यहाँ पे, और फिनिश अप भी कर देंगे। तो यहाँ पे बैड की टीम ने ऊपर का रिस्क पकड़ा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन शाक माया यहाँ पे। पे सिंह कुनाल डिटॉक्स यहाँ पे काल को शायद नॉक इन कर दिया, और यहाँ पे छूट गया यहाँ पे भी। लेट्स सी गाइस, और यहाँ पे बात डिटॉक्स में आर्मी को नॉक कर देंगे। और यहाँ पे सो गाइस बैक की टीम ने बैक की टीम को ही फिनिश कर दिया। सो गाइस बैक की दो टीम्स हैं, और यहाँ पे 11 बजे बात की जाती है बैड और बैड में कौन सी टीम बैड एलीट या बैड एश ओ। और यहाँ पे बैड डिटॉक्स ने बंडी को नॉक कर दिया है शाक माया अभी भी। और सुशील कुमार डिटॉक्स नॉकआउट हो चुके हैं, सिंह कुनाल यहाँ पे शायद बैट कुनाल ने यहाँ पे बैट बैट डिटॉक्स को खत्म कर दिया है। सो यहाँ पे देखते गाइस कौन सी टीम जाएगी, शार्क वेनम को यहाँ पे नेड़ से उड़ा दिया हो चुका है। सो यहाँ पे बैट की स्क्वाड ऊपर ही है, रिच पकड़ी हुई है। सो बैट की स्क्वाड को बहुत बेहतरीन पोजिशन है बैट की स्क्वाड पे। शार्क माया और शार्क वेनम यहाँ पे, सो यहाँ पे बैड वनडी और बैड एस बैड की टीम दोनों टीम की यहाँ पे शायद फाइट देखने में मिल सकती है। यहाँ पे बैड की टीम को शायद जोन के अंदर मूविंग होना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बैड की नीचे वाली टीम को, सो बैड अली को यहाँ पे बहुत बढ़िया पोजीशन है। सो शाक मारा यहाँ पे, और यहाँ पे नॉकआउट कर दिया ओ पी, यहाँ पे नॉकआउट है ओके बैड राउंड के बारे में। और यहाँ पे बैड जीरो ने शाक मारा को नॉक कर दिया, यहाँ पे अकेले बचे हुए सो शार्क वेनम के लिए, लेकिन यहाँ पे पीछे से टीटी भी आता हुआ, टीटी भी सॉरी पीछे से शॉट्स आते हुए बैट थ्री की तरफ से। सो गाइस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि बैट की दोनों टीम बैड है, बैड है। तो देखते हैं बैट की स्क्वाड की फाइट देखते हैं हमें। और यहाँ पे शार्क वेनम बचे हुए, और शार्क वेनम को भी शायद नॉकआउट हो सकते हैं। शार्क वेनम यहाँ पे धीरे धीरे जोन की तरफ मूव इन हो रहे हैं, फिर तो यहाँ पे शायद देंगे, और यहाँ पे शायद शार्क वेनम जोन की तरफ ओके। सो शार्क वेनम शार्क की टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है जोन की तरफ से। यहाँ पे बैड एस ओपी यहाँ पे नॉकआउट है, और यहाँ पे बैड बंडी यहाँ पे नेड कर दिए, बैड राउडी ओपी ने यहाँ पे बैड एस ओपी को नॉकआउट कर दिया है। सो गाइस बैड और बैड की टीम का फाइट हो रहा है।
देखते हैं अभी क्या होगा। बैड वेनम यहाँ पे, और यहाँ पे बैड फ्री को नॉकआउट कर दिया है बैड वेनम ने। यहाँ पे बैड वेनम को भी यहाँ पे शॉट्स आ चुके हैं, बैड वन भी यहाँ पे। बैड राउडी ओपी को भी यहाँ पे बैड नॉकआउट कर दिया है। यहाँ पे बैड बैड जीरो बैड राउडी ओपी बचे हुए और बैड बंडी और बैड डी यहाँ पे बचे हुए अकेले। और यहाँ पे उन्हें जोन की तरफ मूविंग होना होगा। और यहाँ पे बैड जीरो का कवर आता हुआ बेहतरीन, और यहाँ पे मैच एंड हो चुका है। और यहाँ पे बैड टीम बैड ने यहाँ पे बेहतरीन चिकन ले लिया है। इस फॉर मोर कस्टम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।